आज शांति समिति की बैठक म्याना थाने प्रांगण में आयोजित की गई। प्रभारी बल सिंह गौर के द्वारा शांति समिति की बैठक ली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि आज की शांति समिति का मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों से सप्रेम भेंट करना था। थाना प्रभारी ने साफ शब्दों में कहा है कि म्याना एवं म्याना के आसपास के क्षेत्र में होने वाले छोटे से लेकर बड़े अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। शैलेंद्र तिवारी के द्वारा थाना प्रभारी के सामने रेलवे अंडरब्रिज का मुद्दा भी रखा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि मेरे द्वारा रेलवे अधिकारियों, कलेक्टर महोदय, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को लिखित में देकर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि कोरोना को हल्के में न लें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। म्याना से सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मेरी 4-5 दिन पहले नवीन पद स्थापना हुई है म्याना में, तो ग्राम के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनको इसलिए आमंत्रित किया गया था ताकि ग्राम की जो मुख्य समस्याएं हैं जो पुलिस से संबंधित हैं या ग्रामीणों की क्या अपेक्षा है पुलिस विभाग से, बोलने का भी समय है, छोटे मोटे विवाद जो मुकदमे तक जाते हैं वो आपस में यहीं बैठ के सुलझ जाएं, और कौन ऐसी जगहें हैं जहां पर आपराधिक लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही विशेष अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही उन लोगों से एक सौजन्य भेंट भी थी ताकि ग्राम के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे परिचय भी हो सके। उसके बारे में अंडरब्रिज के लिए संबंधित रेलवे एजेंसी और जिला कलेक्टर महोदय को कल ही पत्राचार कर दिया जाएगा और समस्या का निराकरण का प्रयास किया जाएगा।